हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। एक ग्लोई डूई मेकअप लुक है एंड इट्स अ इंस्पायर्ड मेकअप लुक। इट्स इंस्पायर्ड बाय तेजस्विनी प्रकाश, नागिन मेकअप लुक है ये। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आईब्रो फिलिंग से और अपने आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी। वैसे भी मैंने नेचुरली आईब्रोज थिक की हैं, पर फिर भी यहाँ वहाँ जो गैप्स हैं उसे मैं फिल इन कर लूँगी। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, और कंसीलर से अपने आईब्रोज को क्लीन आउट कर लूँगी और अपने आईलिड्स को भी कवर कर लूँगी ताकि जो भी लाइक डार्कनेस है वो क्लियर आउट हो जाए और जो भी आई शेडो में लगा वो पॉप आउट हो। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर, और उस ट्रांसलूसेंट पाउडर से जहाँ पर मैंने लाइक कंसील किया है अपने आईलिड्स को उसे सेट कर लूँगी ताकि वो क्रीज आउट ना हो। आप भी जहाँ पे भी कंसील करोगे उसे सेट ज़रूर करना, क्योंकि कंसील एरिया जो है वो जल्दी क्रीज आउट हो जाता है इसलिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, और काजल से एक स्मोकी आई लुक क्रिएट कर दूँगी सिर्फ अपने आउटर वी पे। अगर आप तेजस्वी के मेकअप लुक देखोगे तो वो आउटर वी पे ब्लैक स्मोकी आई है विथ ग्लिटर आइज, तो वही मैं बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ काजल। आउटर वी पे मैं अपने काजल लगा के स्मज आउट कर लूँगी और एक स्मोकी सा लुक क्रिएट करूँगी। उसके बाद मैं लूँगी ब्राउन सा शेड, ब्राउन एंड ब्लैक शेड। ब्लैक शेड को लेके जो मैंने काजल लगाया है उसे सेट कर लूँगी, और उसके बाद ब्राउन शेड को लेके उसे स्मज आउट कर लूँगी और अपने इनर लिड्स पे लगा लूँगी शिमर शेड। एंड दैट्स कम्प्लीट्स माई आई लुक। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, और प्राइमर के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इल्यूमिनेटिंग क्रीम। सारे चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का डियो स्टिक, और इस डियो स्टिक से मैं जो है वो लाइक ग्लिटरी शेड से अपने पूरे फेस को लगा लूँगी ताकि ड्यूई सा बेस आ जाए मुझे। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, ये शुगर का फाउंडेशन है, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, और कंसीलर से अपने अंडर आइज़ को कंसील कर लूँगी, और जहाँ जहाँ लाइक कंसीलिंग एरिया होता है, हाईलाइटिंग एरिया होते हैं, वहाँ सारे को कंसील कर लूँगी और हाईलाइट कर लूँगी अपने फेस को। उसके बाद उसे ब्लेंड कर लूँगी, और ब्लेंडिंग के बाद मैं उसे सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलूसेंट पाउडर। और सेट के बाद मैं करूँगी कॉन्ट्योर अपने फेस को। मैं ले रही हूँ शुगर का ब्रॉन्जर, और ब्रॉन्जर से अपने पूरे फेस को ब्रॉन्ज अप कर लूँगी, अपने पूरे फेस जहाँ जहाँ लाइक ब्रॉन्जिंग एरिया होता है वहाँ सब तरफ ब्रॉन्ज कर लूँगी अपने नोज़ को। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का लिपस्टिक है ये, क्योंकि मुझे एक पीची सा लिपस्टिक चाहिए था और वैसा मेरे पास कोई भी लाइक ब्लश नहीं था, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ पीछा लिपस्टिक एज अ ब्लश। आप भी अगर आप लोगों के पास भी कोई ब्लश नहीं है तो आप लिपस्टिक को ऐसे ब्लश यूज़ कर सकते हो, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंडिंग के बाद मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर एंड अपने पूरे फेस को हाईलाइट कर लूँगी जहाँ जहाँ लाइक हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक, वही सेम लिपस्टिक जो लाइक मैंने ब्लश को यूज़ किया था वही सेम लिप्स पर भी अप्लाई कर लूँगी। एंड द लास्ट स्टेप इज़ मस्कारा। एंड ऑफ़ कैमरा मैंने सब लाइक ज्वेलरीज वगैरह पहन के आ गई थी, सो मस्कारा कम्प्लीट्स माई ओवरऑल मेकअप लुक यू गाइज। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Softly spoken, with no strings tying you to me.